हेलो N1 अध्ययन मित्र यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के कुछ MCQ क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, करीबन 2100 प्लस क्वेश्चन है और हर एग्ज़ाम में आजकल कंप्यूटर सब्जेक्ट का बहुत महत्व उपयोग होने लगा है, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी बहुत आवश्यक है। जैसे दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, राजस्थान SI, पटवार, लगभग सब एग्ज़ाम में आजकल गवर्नमेंट कंप्यूटर सब्जेक्ट को यानी सिलेबस के अंदर डालने लगी है। तो इस अकॉर्डिंग अपन को अच्छे से तैयारी करनी चाहिए सब्जेक्ट की, और एक अपन वर्दी का जुनून, जो अपने वर्दी का जुनून है आप पे, वो वर्दी अपन पा सकें। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो वन डे एग्ज़ाम में आते हैं। चलो सीरीज स्टार्ट। जय हिंद। निम्न में से कौन सा विंडोज में से एक सेटअप प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा विंडोज में एक सेटअप प्रकार नहीं है? दोस्तों ध्यान रखना, विंडोज के अंदर पूछ रहा है सेटअप का प्रकार। क्या पूछ रहा है? सेटअप का प्रकार, जो क्या एक सेटअप का प्रकार नहीं है विंडोज के अंदर। ऑप्शन ए पार्शियल, ऑप्शन बी कस्टम, ऑप्शन सी टिपिकल, डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, पार्शियल ही क्या है, एक विंडोज़ का क्या है सेटअप का प्रकार नहीं है। कस्टम और टिपिकल दोनों क्या है, विंडोज़ के सेटअप के प्रकार है। इस पार्शियली फंक्शन का मतलब कई से आर्गुमेंट, जो पार्शियली होता है, ये पार्शियली फंक्शन का मतलब होता है कई से आर्गुमेंट को फिक्स करके, जो आर्गुमेंट होता है उसको फिक्स करके नए फंक्शन को बनाने में होता है। क्या होता है? पार्शियल का नया फंक्शन बनाने में होता है, इसलिए पार्शियल विंडोज में एक सेटअप प्रकार नहीं है। बाकी कस्टम और टिपिकल क्या है, एक विंडोज के क्या है सेटअप के प्रकार है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। ध्यान रखना है कि आंसर क्या हो जाएगा, ए। सेकंड क्वेश्चन है, जब किसी विंडोज सिस्टम में एक फाइल को उसकी सामग्री को सहेजे बिना यानी बिना सेव किए संपादित या बंद किया जाए तो क्या होता है? अगर मान लो कि आप कंप्यूटर पे कहीं पे वर्क कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कंप्यूटर पे आप वर्क कर रहे हो, तो अगर आप उस फाइल को बिना सहेजे आप उसको डायरेक्ट बंद करोगे तो क्या होगा? तो ये कहने, तो ऑप्शन ए फाइल रिसाइकल बिन में चली जाएगी, ऑप्शन बी सामग्री को सहेजे बिना फाइल बंद हो जाएगी, ऑप्शन सी जब तक सामग्री सहेजी नहीं जाएगी तब तक फाइल बंद नहीं होगी, डी फाइल को सहेजने के लिए उपयोगकर्ता इनपुट के एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। तो ध्यान रखना कि अपन जब भी कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, कहीं पे भी वर्ड पैड नोट पैड कहीं पे भी वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर किसी फाइल पे काम कर रहे हैं, अगर उस फाइल को अपन डायरेक्ट क्लोज करेंगे तो एक क्या आता है, एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसके अंदर लिखा आता है फाइल को क्या करें, सहेजे यस या नो। तो ध्यान रखना क्या आता है, एक डायलॉग बॉक्स आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, डी। आंसर हो जाएगा इसका डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। जब हम फाइल को बिना सेव किए ही बंद करते हैं तो यूजर को एक क्या देता है, यूजर के लिए यस नो के लिए एक रूप में एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। ये अभी मैंने बताया था आपको, ध्यान रखना अच्छे से और अच्छे से प्रिपरेशन करो एग्जाम में ताकि हेल्प मिल सके आपको। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए चित्र बनाने के लिए, ऑप्शन बी बाइनरी फाइलें बनाने के लिए, ऑप्शन सी खींचने के लिए, डी केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड का उपयोग हमेशा केवल किसके लिए किया जाता है, डी केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड का उपयोग केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। नोटपैड एक प्रकार का साधारण क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है?
क्या है, निम्न में जो ऑप्शन दे रखे अपन को उनमें से क्या बताना है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो पोर्टेबल, जी यू आई सपोर्ट, मल्टी टास्किंग, ओपन सोर्स, तो ध्यान रखना इसके अंदर हो जाएगा अपने ये पोर्टेबल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है, जी आई सपोर्ट भी ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है, ये मल्टीटास्किंग भी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, ये डी है, डी ये केवल क्या है, ये संबंध नहीं रखता है, क्या रखता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। पोर्टेबल जी आई जी सपोर्ट तथा मल्टी टास्किंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है, जबकि ओपन सोर्स ये दर्शाता है कि किसी उत्पाद में उसके स्रोत कोड, डिजाइन, दस्तावेज आदि के उपयोग के लिए अनुमति या लाइसेंस लेना पड़ता है। ध्यान रखना है ओपन सोर्स का मतलब कंप्यूटर के अंदर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कोई भी उत्पाद उसके स्रोत कोड, डिजाइन, दस्तावेज आदि के उपयोग के लिए अनुमति या लाइसेंस लेना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन, विंडोज एप्लीकेशन के संबंध में OLE का पूर्ण रूप क्या है, OLE का पूर्ण रूप क्या है, ऑनलाइन लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, बी ए ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, सी ए ऑनलाइन लिंकिंग एंड एम्ब्रिंकिंग, डी ए ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्ब्रिंकिंग। तो आंसर हो जाएगा आपके, इसका आंसर बताइए, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग तकनीक है, क्या है, एक तकनीक है, क्या एक तकनीक है, एक तकनीक है जिसके माइक्रोसॉफ्ट में किसने विकसित किया, इसको ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया, किसने किया, अगर पूछेगी ये ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, इस ये जो लिंकिंग किसने, एप्लीकेशन किसने किसने संबंध किया, तो ध्यान रखना कि किसने तकनीक, किसने माइक्रोसॉफ्ट ने तकनीक विकसित की है, इसका मुख्य कार्य एम्बेडिंग और लिंकिंग होता है, क्या होता है, एम्बेडिंग और लिंकिंग का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, फाइल का नाम में दो भाग होते हैं, फाइल के नाम में कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, एक तो प्राथमिक नाम होता है, एक सेकेंड नाम क्या होता है वो आपको बताना है, गुण विशेष, ऑप्शन है गुण, सेकेंड है बी, थर्ड है प्रकार, डी है विस्तार, एक्सटेंशन, तो आप बताइए इसका क्या हो जाएगा, ध्यान रखना दूसरा गुण हो नहीं सकता, क्या गुण हो नहीं सकता, विशेषता हो नहीं सकता, प्रकार हो नहीं सकता, तो आंसर क्या बचा, डी, डी आंसर हो जाएगा, विस्तार एक्सटेंशन, विस्तार एक्सटेंशन। कंप्यूटर फाइल डेटा रिकॉर्ड करता है, क्या करता है, कंप्यूटर फाइल क्या करती है, डेटा रिकॉर्ड करती है, किसी कंप्यूटर फाइल के दो भाग होते हैं, एक तो प्राथमिक भाग होता है और एक विस्तार जो डॉट, क्या होता है, विस्तार जो डॉट, ध्यान रखना विस्तार जो डॉट से अलग होता है, विस्तार जो डॉट से क्या होता है, अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विंडोज में एक सेटअप प्रकार नहीं है, निम्न में से कौन सा विंडोज एक सेटअप प्रकार नहीं है, पार्शियल, इनमें से कोई भी नहीं, टिपिकल, कस्टम, तो अभी अपन ने देखा था टिपिकल और कस्टम तो क्या है, एक तरीके के विंडोज के एक सेटअप के प्रकार हैं, तो क्या है पार्शियल ही नहीं है, क्या है ए आंसर हो जाएगा, ए पार्शियल नहीं है, विंडोज में सेटअप पार्शियल नहीं होता है, क्या सेटअप पार्शियल नहीं होता है, ये टिपिकल या कस्टम हो सकता है, ये टिपिकल या कस्टम हो सकता है, विंडोज सेटअप का एक ऐसा प्रोग्राम है, क्या विंडोज सेटअप का क्या एक ऐसा प्रोग्राम है जो विंडोज स्थापित करता है, क्या करता है विंडोज को क्या करता है ये स्थापित करता है, अथवा किसी पहले से मौजूद विंडोज को रिन्यू करता है, अगर विंडोज के अंदर पहले से होगी तो क्या करता है ये पहले से होगी तो इसको रिन्यू करता है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एट, निम्न उपकरण GUI पर आधारित OS में सहायता देता है, OS में सहायता देता है, तो ध्यान रखना OS के अंदर कीबोर्ड भी आप मदद करता है, क्या करता है कीबोर्ड भी मदद करता है, टचपैड मदद करता है, माउस मदद करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी,
तो क्या हो जाएगा, सभी विकल्प। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, GUI है क्या, मैं इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ध्यान रखना GUI की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डिवाइस है जो यूजर को आज्ञा देती है, क्या देती है, यूजर को आज्ञा देती है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इंटरैक्ट करे। इसमें ग्राफिकल आइकन होते हैं, क्या होते हैं, इसके अंदर ग्राफिकल आइकन होते हैं GUI के अंदर, ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। एक वस्तु को माउस से क्लिक करें, कोई भी वस्तु अपन कहीं पे भी काम कर रहे करें, उसे स्थानांतरित करने को कहा जाता है। अगर कोई भी फाइल को अपन एक एक यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ए क्लिकिंग, बी ड्रैगिंग, सी शिफ्टिंग, डी ड्रॉपिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ड्रैगिंग। क्या हो जाएगा आंसर, हो जाएगा इसका बी, क्या हो जाएगा आंसर, हो जाएगा बी। ड्रैगिंग एक सामान्य क्रिया है जो ग्राफिकल यूजर को इंटरफेस में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, किस शॉर्टकट का इस्तेमाल सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना, किस शॉर्टकट का इस्तेमाल सभी टैब, जो टैब हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहे हैं उनको छुपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस विंडोज, विंडोज प्लस सेटअप एरो आता है, विंडोज प्लस डी, विंडोज प्लस की। तो ध्यान रखना विंडोज प्लस डी का उपयोग किया जाता है, विंडोज प्लस डी का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अपने, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विंडोज प्लस डी की का उपयोग सभी टेप छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है। चलो दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप हमारे, अगर आपका कोई सुझाव हो यानी देना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9079188931, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। ध्यान रखना आप कॉल नहीं कर सकते हो, कॉल आपको लगेगी भी नहीं क्योंकि हमने मैसेज ही सेवा उपलब्ध करा रखी है। आप मैसेज कर सकते हो किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो और कोई सुझाव देना चाहते हो। अगर आपको PDF चाहिए ये, तो आप यहाँ पे आके संपर्क करके लिख देना कि PDF कंप्यूटर फर्स्ट PDF, तो आपको मिल जाएगी। चलो दोस्तों, इसी के साथ अलविदा लेते हैं। अगर कोई आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमसे संपर्क करें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।